आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले टाटा नेक्सॉन के क्रैश टेस्ट के बारे में और देखेंगे इस क्रैश टेस्ट का लाइव वीडियो डिटेल के अंदर, और साथ ही में हम जानेंगे कि क्रैश टेस्ट के अंदर टाटा नेक्सॉन को क्या रेटिंग मिली, किन किन पैरामीटर्स के ऊपर इस गाड़ी को जज किया गया या फिर टेस्ट किया गया, और साथ ही में कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर ये गाड़ी खरी उतरी। वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि कौन कौन सी कार कंपनीज ने अभी तक ये टेस्ट पास किया है, इनफैक्ट 4 स्टार्स हासिल किया है, और अनफॉर्चुनेटली कितनी कम कंपनीज है इंडिया के अंदर जो अभी ऐसा कर पाई है। मैं विनीत शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ट्विजार्ड्स ऑटोमोबाइल्स में। लेट्स बिगिन। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले। टाटा नेक्सॉन का फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट किया गया, यानी कि फ्रंटल कोलिजन करवाया गया गाड़ी का अराउंड 64 km/h के ऊपर। एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए इसकी सेफ्टी रेटिंग रहेगी 4 स्टार्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए सेफ्टी रेटिंग रहेगी 3 स्टार्स। ओवरऑल पूरे टेस्ट के अंदर यह भी पाया गया कि नेक्सॉन का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था वो भी काफी स्टेबल रहा, तो वहां पे भी नेक्सॉन खरी उतरी। अगर आप वीडियो को देखें तो ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि जो आगे इंजन कंपार्टमेंट है उसी को मैक्सिमम डैमेज हुआ है। उसने सारा का सारा जो इंपैक्ट था वो अपने ऊपर झेल लिया और ड्राइवर कंपार्टमेंट या फिर पैसेंजर कंपार्टमेंट जो हम कहते हैं वहां पे कोलिजन का जो इंपैक्ट था वो पास ऑन नहीं हुआ। साथ में एक और बात काबिले तारीफ देखने में आई, वो थी कि जो पिलर्स हैं गाड़ी के ए पिलर्स वो इंटैक्ट रहे, उन पे भी कोई नुकसान या डिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिली इस टेस्ट के बाद। साथ में एक बहुत ज्यादा सेफ चीज ये रही कि केबिन के अंदर कोई भी चीज इंट्रूड करके नहीं आई। मान लीजिए सामने वाला हिस्सा जब गाड़ी का किसी से टकराता है उस समय यह संभावना बहुत ज्यादा होती कि इंजन का कोई पार्ट या फिर अलग अलग पिलर्स या अलग अलग जो लोहे की रॉड्स है उनका कोई भी पार्ट आपका केबिन जो एरिया है उसके अंदर एंटर ना कर जाए, क्योंकि ऐसा होता है तो पैसेंजर्स के लिए लीथल हो सकता है। इस टेस्ट में ये बात भी क्लियर रही कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी पार्ट आगे वाले हिस्से का आगे का ऑब्स्टिकल तोड़ के केबिन के अंदर नहीं आ पाया। इनफैक्ट जो आगे जो सामने मेन ऑब्स्टिकल थी वो भी पैसेंजर कंपार्टमेंट तक नहीं आ पाई। लेकिन पैसेंजर कंपार्टमेंट तक वो जर्क डेफिनेटली आया था, और उसका भी एक अच्छा रिजल्ट सामने ये आया कि एनकैप ने डिक्लेयर किया कि जो ड्राइवर और को ड्राइवर बैठे थे गाड़ी के अंदर उनको हेड और नेक पे भी अच्छा प्रोटेक्शन मिला और चेस्ट के ऊपर भी डिसेंट प्रोटेक्शन मिला इन दिस ओवरऑल कोलिजन टेस्ट। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए टाटा नेक्सॉन के सभी वेरिएंट्स के अंदर ABS, EBD, एयरबैग्स और बच्चों की सीट्स लगाने के लिए आइसोफिक्स सॉकेट्स भी दिए गए हैं। लेकिन इस ओवरऑल टेस्ट में पास होने का पैरामीटर सिर्फ ये नहीं हो सकते, क्योंकि जो हमने ओवरऑल कार का आफ्टर द इंपैक्ट जो वीडियो था, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला, उससे एक बात क्लियर होती है कि सिर्फ इन सेफ्टी फीचर्स के कारण पैसेंजर सेफ नहीं थे। एक बहुत बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा टू द बिल्ड क्वालिटी ऑफ टाटा मोटर्स, जहां पे गाड़ी के अंदर पर्याप्त मात्रा में क्रम्पल जोन थे और इनफैक्ट पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया था कि वो इंपैक्ट को झेल सके और गाड़ी अपना शेप लूज नहीं करी आफ्टर इवन आफ्टर सच अ ग्रेट इंपैक्ट। सेफ्टी के लिए सिर्फ ये फीचर्स ही नहीं, गाड़ी का ओवरऑल कंस्ट्रक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा इस टेस्ट के अंदर। टाटा नेक्सॉन अभी तक की चौथी गाड़ी है इंडिया के अंदर जिसको एनकैप के द्वारा 4 स्टार रेटिंग मिली है। इससे पहले टाटा की जेस्ट को 4 स्टार रेटिंग मिल चुकी है, टोयोटा एटियोस को और फॉक्सवैगन पोलो को, इन गाड़ियों को ही सिर्फ 4 स्टार की रेटिंग मिली है। और ये एक बहुत दुख की बात भी है कि 25 गाड़ियों को अभी तक टेस्ट किया जा चुका है। अनफॉर्चुनेटली 25 में से सिर्फ इन 4 ब्रांड्स को ही 4 स्टार की रेटिंग मिली है।
मेरा तो ऐसा मानना है कि हमें 4 स्टार के पीछे ना पड़ के 5 स्टार को चेज करना चाहिए ताकि हमारे देश की सड़कों में दौड़ने वाली गाड़ियां और ज्यादा सेफ बन सके। लेकिन साथ ही में एक फीलिंग ऑफ प्राइड भी है कि हमारे देश के अंदर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी अब ऐसी कार्स बना रहे हैं जो कि इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे खरी उतर रही है। बहुत सारी ऐसी कार्स है इंटरनेशनली जो कि 1 या 2 स्टार्स के आगे बढ़ नहीं पाती, लेकिन टाटा की बहुत सारी कार्स जैसे कि जेस्ट और नेक्सन ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि सेफ्टी पैरामीटर्स पे 4 स्टार हासिल कर चुकी है। आई होप बाकी कार मैन्युफैक्चरर्स भी, चाहे इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल हो, इंडिया के अंदर जब भी कार्स दें सेफ्टी को ध्यान में रखें और हमारे देश की सड़कों पे सेफ और बेहतर कारें दौड़ती रहे ताकि हमारे देश की जनता सुरक्षित रहे। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि जल्द ही हमें एक ऐसी गाड़ी देखने को मिलेगी जो कि 4 या 5 स्टार पैरामीटर्स पे भी खरी उतरेगी, आज का वीडियो एंड करते हैं। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, टेक केयर एंड जय हिंद।